हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज मैं आपके लाया हूँ बिग बैश लीग 2022 के दोस्तों जो है एलिमिनेटर मैच की मैच प्रेडिक्शन। और जो एलिमिनेटर मुकाबला ये खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस होबार्ट हरिकेन्स के बीच, और जो मुकाबला है दोस्तों ये होगा आपका मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में। तो मैच में जाने से पहले अगर दोनों टीमों के प्लेयरों पर नजर डालूँ और देखूँ किस टीम की बल्लेबाजी स्ट्रांग है, किस टीम की गेंदबाजी। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की बल्लेबाजी पर नजर डालूँ तो उनके पास दोस्तों एलेक्स कैरी और जो है दोस्तों जैक वेदरल्ड, मैट रेंशो, मैट शॉट, ट्रेविस हेड, इन सब के आने की उम्मीद। ट्रेविस हेड और ये एलेक्स कैरी वापस आ जाएंगे। वहीं पे अगर मैं वाट हरिकेन्स की बल्लेबाजी पर डालूँ तो उनको मैथ्यू वेड, क्लाइव ज्वेल, मैक राइट, डर्सी शॉट दोस्तों, बेन बेन मैकडरमाउट, टिम डेविड जैसे प्लेयर हैं दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो पल्ला तो मुझे दोस्तों हल्का सा जो है होबार्ट हरिकेन्स का बड़ा भारी लग रहा है बल्लेबाजी में। अब आइए दोस्तों दोनों टीमों की गेंदबाजी पे न डालते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं एडिलेड स्ट्राइकर्स की गेंदबाजी पे न डालूँ तो फवाद अहमद, डैनियल वॉरल, एच थॉर्टन, लियाम कॉर्नर जैसे गेंदबाज है दोस्तों, वैसेगार जैसे गेंदबाज है। वही अगर मैं होबार्ट हरिकेन्स की गेंदबाजी पे न डालूँ नज़र तो उनके पास दोस्तों रायली मेडरथ, स्कॉट बैटलैंड और आपका टी रॉजर्स, संदीप लामाछाने, टी एंड्रू और विल पाकर जैसे गेंदबाज है दोस्तों। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूं तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में ही मुझे जो है दोस्तों होबार्ट हरिकेन्स का बड़ा भारी लग रहा है। और आपको जो है दोस्तों मैं अब जो मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड की पिच रिपोर्ट है उसके बारे में बता देता हूँ कि यहाँ पर कितने रन बनते हैं और पिच का लेखा जोखा यहाँ पर क्या रहता है। तो दोस्तों सारी जानकारी मैं आपको बताऊँगा, ड्रीम इलेवन टीम के लिए बेस्ट प्लेयर्स भी आपको मैं बताऊँगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो मेलबर्न ग्राउंड में दोस्तों सबसे पहले अगर जो इंटरनेशनल T20 खेले गए हैं उसमें कितने रन बनते हैं तो मैं आपको अगर बताता चलूँ तो इंटरनेशनल T20 में दोस्तों अभी तक जो है 12 मैच खेले गए हैं, 5 जीते हैं पहले बैटिंग करने वाली ने, 7 जीते हैं बाद में बैटिंग करने वाली ने। एवरेज स्कोर जो है यहाँ पे पहले बैटिंग करके 140 रन का रहता है। हाईएस्ट स्कोर इंडिया ने बनाया था 184 पे 3 विकेट पे, और लोएस्ट स्कोर भी इंडिया का ही है 74 पे, ऑल आउट हो गई थी। जो स्कोरिंग पैटर्न रहता है वो 150 रन यहाँ पर 8 बार बना है इंटरनेशनल क्रिकेट में, 150 से 169 दो बार बना है, 170 से 189 दो बार बना है, और इंटरनेशनल क्रिकेट में 190 से ऊपर अभी बना नहीं है। और दोस्तों T20 डोमेस्टिक की बात करूँ जैसे कि बिग बैश मैचेस यहाँ पे जो हुए हैं टोटल मैचेस यहाँ पे 58 हुए हैं T20 डोमेस्टिक में, पहले बैटिंग करने वाली ने जीता है 25, बाद में बैटिंग करने वाली ने जीता है 32। मुकाबले दोस्तों एक रहा है टाई। वही दोस्तों स्कोर पहले बैटिंग का जो एवरेज स्कोर है वह है 159 रन, और हाईएस्ट स्कोर जो है दोस्तों मेलबर्न स्टार्स ने बनाया था 273 रन दो विकेट पे, कल धुलाई करी थी और क्या ही गजब धुलाई करी थी मैक्सवेल ने। वही दोस्तों एडिलेड स्ट्राइकर का सबसे लोएस्ट स्कोर है 68 रन पे, ऑल आउट हो गई थी। स्कोरिंग पैटर्न जो रहा है दोस्तों वो रहा है 150 रन बने हैं 25 बार, 150 से 169 का बीच का स्कोर बना है 13 बार, स्कोर बिटवीन 170 से 189 बना है 15 बार, और 190 से ऊपर जो है 5 बार बना है। ठीक है गाइस, तो दोस्तों ये तो थी पिच रिपोर्ट। अगर मैं ड्रीम इलेवन के प्लेयरों की बात करूँ तो आपको जो है बता दूँ दोस्तों कि दोनों टीमों से बेहतरीन प्लेयर आ रहे हैं। जैसे कि अगर आपने एडिलेड स्ट्राइकर की टीम से लेना है दोस्तों की प्लेयर्स, तो आप पीटर सिडल और उनको लीजिएगा, ट्रेविस हेड को दोस्तों, और अगर आपको होबार्ट हरिकेन्स की तरफ से लेना है तो रायली मेडरथ को लेना ही लीजिएगा, मैथ्यू वेड को लीजिएगा क्योंकि वो रन बना सकते हैं, पिछले मैच में फ्लॉप हुए। ठीक है गाइस, और बेन मैकडरमाउट को भी ले सकते हैं आप। तो दोस्तों ये तो थी पिच रिपोर्ट और ड्रीम इलेवन टीम। अब दोस्तों मैच प्रेडिक्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जो है दोस्तों अपने अपने स्क्रीन पे जो है प्रेडिक्शन ऐप का लिंक मिलेगा, तो फटाफट जाकर उस प्रेडिक्शन ऐप के लिंक पर क्लिक करें, ऐप डाउनलोड करें, प्रेडिक्ट करें कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम मैच जीतेगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल के स्क्रीन शॉट दिख रहे होंगे, आप मेरे दोनों टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। मेरे दोनों टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाएगा। कई बार क्या होता है टॉस के बाद अगर कोई मैच विनर चेंज होता है तो उसकी अपडेट मैं टेलीग्राम में देता हूँ। और दोस्तों बहुत से छोटे छोटे मैच होते हैं जिनकी वीडियो नहीं बना पाता, पर उनकी मैच प्रेडिक्शन आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलती है, तो ज्वाइन हो जाएगा। और जिस तरीके से आप सभी लोग जानते हैं कि कोरोना फैल रहा है एंड मौके पे किसी प्लेयर को भी कोविड हो जाता है तो उसके लिए भी मैच प्रेडिक्शन चेंज हो सकती है, और अगर चेंज हुई तो उसकी अपडेट आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी।
तो टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन होना आपका बहुत ज़रूरी है। तो गाइस बिना देरी के टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन हो जाएगा। सेशंस और फैंटेसी टीम्स भी आपको बिल्कुल फ्री में दिए जाते हैं। सेशंस और फैंटेसी टीम्स के लिए भी आप मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। ओके गाइस, और जो आज ऑस्ट्रेलिया का वुमेंस क्रिकेट का मैच है वो भी आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पे उसकी मैच प्रेडिक्शन मिलेगी, तो उसके लिए भी ज्वाइन हो जाएं। ओके, और एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत से फेक चैनल बन गए हैं मेरे नाम पे टेलीग्राम पे, तो अगर आप उन फेक चैनलों से बच के रहना चाहते हैं तो मेरे द्वारा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाता है उसी से ज्वाइन हो। उसके अलावा आपको कहीं पर भी कोई लिंक मिले मेरे टेलीग्राम का तो ज्वाइन होने की ज़रूरत नहीं है। ओके गाइस, और दोस्तों साथ ही साथ बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियोज़ पहली बार देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किए बिना ना जाए, क्योंकि यहाँ पर आपको बेस्ट से बेस्ट मैच प्रेडिक्शन मिलती है दोस्तों, बेस्ट एनालिसिस के साथ। ठीक है गाइस, तो सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्या होगा मैं वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आएगी। तो दोस्तों मैच प्रेडिक्शन बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये इस साल जो है ये टीमें, दोनों टीमें दो बार खेल चुकी है आपस में मैच। पहला मुकाबला जो इन दोनों टीमों के बीच हुआ था वो होबार्ट हरिकेन्स ने जीता था, जिसमें बेन मैकडरमाउट का शानदार शतक था। दूसरा मुकाबला पीटर सिडल की बेहतरीन बॉलिंग, 5 विकेट लिए थे पीटर सिडल ने, जिसमें होबार्ट हरिकेन्स हारी थी एडिलेड से। तो ये इस साल इनका तीसरा मुकाबला है, और ये मुझे लगता है ये मुकाबला जो है दोस्तों आपका होबार्ट हरिकेन्स की टीम जीतेगी। भले ही पिछले मैच में मेलबर्न स्टार्स के खिलाफ उनकी बॉलिंग बहुत पिटी हो, लेकिन इस मैच में उनके जो मेन प्लेयर है आ जाएंगे और ये मुकाबला जो है मेरे हिसाब से होबार्ट हरिकेन्स जीतेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।